वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10:30 और अब देखो पीछे का खेत पूरा पक चुका है, गेहूँ पूरे पक चुके हैं, ये भी कट जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ घुमाने के लिए डैम पे, वो भी हमारे यहाँ बोलते हैं गुलरबोस डैम। तो आपको भी लेके चलूँगा गुलरबोस डैम पे। देख सकते हो आप, आज का मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है क्योंकि आंधी तूफान वाला सीन भी है और क्या बोलते हैं गेहूँ भी कट रहे हैं। और उस साइड देखिएगा इस वो एरिया में, वहाँ पर बाली काट रहे हैं लोग, आधे लोग, और आधे लोग ग्राउंड में खेल रहे हैं मैच। देख सकते हैं सुबह सुबह 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। ये रहा हमारे गांव का बाग दोस्तों। देखो गांव में आंधी आने वाली है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे घूमने के लिए। देखते हैं, हमारे पास भी टाइम बचा हुआ है। मौसम देख सकते हैं, गेहूं पूरे पक गए हैं और आंधी ना आए तो ठीक है, नहीं तो फार्मर का बहुत तगड़ा वाला नुकसान होने वाला है। मेरा दोस्त आंधी तूफान आने वाले उससे पहले जल्दी जल्दी कर रहा है काम, क्योंकि इसके ये गौशाला के लिए बन रहा है। मैं दिखाता हूँ अंदर से कितना काम हो गया है। ये देखो, ये हमारे अभिषेक भाई है गांव के मिस्त्री, काम चल रहा है पूरा, लेकिन बारिश भी आ रही है इसलिए तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है भाई बारिश में काम करने का? बारिश आनी चाहिए आज, नहीं आनी चाहिए? ओले पड़े, ओले पहुंच चुके हैं गुलरबोस डैम, ये है इसका एंट्रेंस। चल रहे हैं आगे, देख सकते हैं बहुत बढ़िया हो गया है ये। ये है इसका एंट्रेंस, अब चलेंगे ऊपर की ओर। कैंटीन वगैरह बहुत बढ़िया कन्फेक्शनरी खुली हुई है। गाइस गुलरबोस डैम पे एटीवी का भी ऑप्शन आ चुका है और बोटिंग भी यहाँ पे होती है, बोटिंग भी दिखाएंगे। उससे पहले दिखाते हैं एटीवी और एक रही बड़ी वाली वो, अभी मिलेंगे थोड़ी देर में बंदे से और फिर दिखाएंगे इसका रेट वगैरह क्या है क्या नहीं। भैया कर रहे हैं इसको स्टार्ट, इसका है आपका 200 रुपये का राउंड है। 200 रुपये का राउंड है, कितना? दो जनों का है। और ये यहाँ से सीधे हम लोग पेड़ दिखे बड़े वाले, हाँ जी, वहाँ से चलती है, वहाँ थोड़ा व्यू अच्छा है, फोटो वोटो खिंचाते हैं लोग, फिर वहाँ से वापस आते हैं। तो भैया ने आपको बता दिया गाइस, 200 रुपये इसका चार्ज है। अंदर पूरा घुमाएंगे, अंदर स्विमिंग पूल वगैरह सारा है। तो आपको जब भी आना हो भैया से संपर्क कर सकते हैं आप, ठीक है, बाय। गाइस ये दिख रहा है एटीवी का पूरा रूट, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होगी और वहाँ तक पूरा ये लोग घुमाएंगे। और 200 रुपये इसकी फीस है, जैसा आपको ठीक लगे या ना लगे वो तो आपके ऊपर है, आना जरूरी है। देखो गाइस वो लोग जा रहे हैं, गाइस बोटिंग भी होती है, बोटिंग का भी मैं प्राइस बताऊंगा अभी थोड़ी देर में उनके पास चलते हैं। उससे पहले चलते हैं आगे की ओर, दिखाता हूं मैं आपको पूरा डैम। ये रहा गाइस पूरे हमारे गुलरबोस डैम का व्यू, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और काफ़ी सारे भैया यहां पे रहते हैं, बढ़िया बढ़िया आइसक्रीमें यहां मिलती हैं, ब्रांडेड वैनिला वगैरह सारा फ्लेवर है यहां पे। यहां पे आगे देखो हर जगह, जो दूर से गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए कैंटीन रेस्टोरेंट वगैरह अवेलेबल है, स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है और रुकने के लिए स्टे करने के लिए जगह भी है। तो आप आके यहाँ पे ट्रैक पता कर सकते हैं। और दोपहर में देखिए स्विमिंग पूल में जो नहाता है उसके लिए डीजे सेट वगैरह सब लगा है, फुल एंजॉयमेंट मिलता है गाइस यहाँ पे, बहुत बढ़िया हो चुका है और ज़रूर आना है आपको। गाइस पूरा व्यू देख सकते हैं आप, कितना प्यारा ये दिख रहा है। टीवी का डी एंड लास्ट, यहाँ तक पूरा घुमाने आते हैं वो लोग। चार्ज मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट वो रहा, डी एंड पॉइंट ये रहा। मैं आ गया हूँ यहाँ पे झालमुरी खाने के लिए अंकल के पास। अंकल क्या क्या रेट है? 20 रुपये है, 40 रुपये है, भेलपुरी है, चंकी चाट है। अच्छा, और कितने लोग आ जाते हैं दिन भर में? आ जाते हैं
तो गाइज आइए आप भी खाइए और हम भी यहाँ पे खाने के लिए जा रहे हैं, लगवाते हैं प्लेट। अंकल जी लगवा दीजिए 3-4। आप देख सकते हैं अंकल की स्पीड, बताते भी रहो अंकल क्या क्या डालो यार। टमाटर है, हरी मिर्च है, प्याज है, धनिया है, कोथमीर है। अच्छा ये स्पाइसी वाली बन रही है। और ये अंकल काफ़ी टाइम से है और मैं काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ और ये बहुत अच्छा बनाते हैं, आप लोग भी आइए और टेस्ट करिए। बाकी सारी चीज़ें तो मिलती रहती है, आइसक्रीम वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, वो कंपनी का ब्रांड है लेकिन ये इनका खुद का ब्रांड है। ये हो गई अंकल रेडी। ये कितने वाली है ये? कम मीडियम वाली है। इसका प्राइस बता दो अंकल। 20 रुपए का देख सकते हैं कितना प्यारा ये लग रहा है गाइस। और ये पूरा कम्प्लीट हो गया, आप खा रहे हो टेस्ट, उसके बाद मैं करता हूँ। गाइस ये लोग मेरे को मिले हैं सब्सक्राइब करने के लिए, इन्होंने कहा कैसा व्लॉग बनता है कैसा नहीं, तो इनको बताया भी और ये लोग बताएंगे अपना नाम। बताओ भाई। भाई मेरा नाम साजिद पाशा है। तो ये ग्रोबो डॉम्स आप पहले भी आते हो या पहली बार आए हो? यहाँ तो हमारा घर पर है। तो ये इनका घर है गाइस, ये लोग तो आते रहते हैं, तो इनको क्या कहना चाहोगे पब्लिक को, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो, भाई को जो है फॉलो करो। ये रहा गाइस इसका बांध, यहाँ पे बंद होता है। और आज तो पानी है नहीं क्योंकि पानी चल नहीं रहा, पानी रोक रखा है फसल के लिए। देख सकते हैं आप इसका एंट्रेंस कितना तगड़ा है और मैं दिखाता हूँ इधर से पूरा व्यू। देखो गाइस डैम का पूरा व्यू कितना बड़ा, ये गुलरबो डैम है। गाइस नीचे की तरफ पार्क है, यहाँ पे स्टे करके खाना वगैरह लंच वगैरह आप कर सकते हैं कभी भी किसी टाइम। गोलरबस डैम पे कितनी पब्लिक आती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा हो गई है हर एक चीज़ की। तो गाइस आप ज़रूर आइए और यहाँ पे विज़िट कीजिए हमारे यहाँ एरिया में, हम तो यहीं रहते हैं लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी था इसलिए हमने ज़रूर दिखाया है। ये देख सकते हैं पार्किंग कितनी तगड़ी लगी पड़ी और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कितने लोग आते हैं, और जो नहीं आता ज़रूर आइए। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मैं मिलता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। और इससे जाने से पहले मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे आने वाला है जिप लाइन बहुत जल्दी और यहाँ पे धीरे धीरे बहुत तगड़ा पार्क होने वाला, तो ज़रूर इससे पहले विजिट करिए और आपको भी पता लगे यहाँ पे क्या क्या है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टाटा, लव यू। परफेक्ट।